अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। क्या कहना चाहेंगे, ये जो शुक्रवार के दिन जिस तरह से एक रैली का आयोजन किया गया है, तो इसमें भिवंडी कांग्रेस युवा पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्या अदा करेंगे? अपने राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और महाराष्ट्र के अध्यक्ष कुणाल जी राउत और प्रदेश के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब, इनके नेतृत्व के अनुसार सब पूरे महाराष्ट्र में हर जगह जगह भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रचार कर रहे। राहुल जी महाराष्ट्र में आ रहे, पांच स्टेट के बाद वो 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो गए, और सब लोगों को ये प्रचार होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों दिखाई जा रही है, क्यों निकाला राहुल जी ने। तो इसलिए जो महाराष्ट्र भारत में बढ़ती बेरोजगारी और बाकी महंगाई, इसके विरोध में सब भारत में भारत जोड़ो यात्रा में सब एकत्र आ रहे हैं और सब राहुल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। भिवंडी में, भिवंडी के ईस्ट के प्रेसिडेंट, भिवंडी वेस्ट प्रेसिडेंट, भिवंडी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बाकी इधर उपस्थित सब सीनियर लोग, इनके सब मार्गदर्शन अनुसार हम पूरे भिवंडी में हम लोग युवक कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं कि जो समाज में हो रहा है इसके विरुद्ध में राहुल जी कन्याकुमारी से काश्मीर तक चल रहे, तो सब युवक को मैं आह्वान करता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा में आपका सहयोग दिखाए। जो फ्राइडे को भिवंडी में यात्रा हो रही है, इसके लिए सब शामिल हो जाए, और जो भिवंडी में युवक कांग्रेस के जो युवकों के जो प्रश्न है, किसके एडमिशन नहीं होते, कॉलेज के प्रश्न है, किसके किसको नौकरी नहीं मिलती, और ये सब सवाल के जवाब भारत जोड़ो यात्रा में मिलेंगे। इसलिए सबको आह्वान करता हूँ, सब एकत्र आ जाए और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये हमारा एजेंडा है। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार एक सभा में गए थे गाँव में, तो वहां पे भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा कि ये भारत माता क्या होती है, तो लोगों ने जवाब दी ये जमीन, ये पेड़, ये नदियां, ये पानी। तो पंडित जी हंसे और बोले ये तो भारत माता है, लेकिन इस भारत माता का अस्तित्व उस पे बसने वाले 35 करोड़ लोग, मतलब जब उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे, हम मानते ना कि भारत जोड़ा हुआ है, भारत टूटा हुआ नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जब से ये सत्ता आई है उसके बाद हर एक इंसान को उसको धर्म के आधार पर जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचान दे दंगाई को, तो ये जो तोड़ रहे लोगों को आपस में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसको जोड़ने के लिए ये भारत यात्रा निकली है, इसलिए से हमने नाम दिया है भारत जोड़ो। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स आउटलेट है। बेहतरीन किस्म के फैशनेबल कपड़े निहायत ही वाजिब दामों में, वो भी फ्री ऑल्ट्रेशन के साथ, जहां आपको मिलेंगे टी शर्ट्स 99 में, ट्रैक 199, शर्ट्स 299, फंकी जीन्स 399 और ब्रांडेड जीन्स 499 में। दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल धामनकर नाका भिवंडी।